हम दोनों एक होटल पहुंचे। नहीं, हम दोनों लियाना के साथ एक होटल पहुंचे। घर के बहुत ही नजदीक वेस्टिन होटल है, तो हमने सोचा एक दिन क्यों ना होम अवे फ्रॉम होम रहा जाए, जस्ट मी, गुरु एंड लियाना। दिस इज अ स्मॉल एक्सपेरिमेंट टू सी हाउ मी एंड गुरु कैन मैनेज विद अ बेबी ऑल बाय आवरसेल्व्स। दिस इज लाइक अ प्रेप इफ वी वांट टू ट्रैवल इंटरनेशनल। और लिली का पहला एक्सपीरियंस आज इस होटल रूम में रहने का, और हमारा भी पहला एक्सपीरियंस। देखते हैं कि इसको कैसे रखते हैं, क्योंकि ये तो कभी डांस करती, कभी रोती, कभी चिल्लाती है। ऑलरेडी क्राई क्राई शुरू हो गया है। सो लेट्स सी इफ इट इज पॉसिबल टू ट्रैवल विदाउट नानी एंड नैनी। लेट्स सी। हाँ, हो जाएगा। मुझे तो ऐसा लगता है फुल कॉन्फिडेंस है अपने आप पे। यूपी अच्छे से हम लोग आज का दिन निकालेंगे, तो हम चलेंगे समवेयर इंटरनेशनल। ओके। ओह माय गॉड, आई लव दिस। I love this. सच्ची चॉकलेट ना? ओह या। खा लो। मुझे तो लगा था वो लोग पिनूरी का भी फोटो डालेंगे। So beautiful. ये अच्छा है, यहाँ पे मैं काम कर सकता हूँ। So beautiful. अच्छा, ये आप चारों कोने से घूम सकते हो। हाँ, यहाँ से we can straight away get inside the washroom. Then we go to the Lily ka bed. How cutie. All the good hotels, they have a crib. Thankfully, aane se pehle mujhe achanak dhyan aaya, maine phone kiya. Tum logon ne bola haan hai aur room mein immediately rakhwa diya. I hope ki aap logon ne room dekh liya. Bahut hi amazing hai room. Uska sone ke liye crib bhi aa gaya hai. Hum log change kara dete hain, kyunki thoda sa covered kapda pehna dete hain. Pata nahi होटल की एकदम सेंट्रल एयर कंडीशन में ठंडी ना लग जाए। सो वी विल चेंज हर इनटू दिस फुल्ली कवर्ड। लियाना बोलेगी कि मैंने इतने अजीब सा पाव पाव टाइप का क्यों गाना बना के रखा है। उसके देख के मैं बोलती हूँ रोज लुपा पाव 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 लुपा पाव पाव। टोपी पहना देती हूँ, पता चले भी सर से ठंडी लग गई तो। मतलब मुझे तो ऐसा हो गया है, मैं ऐसे पकड़ती हूँ, आप लोग मुझे बोलते हैं अच्छे को कैसे पकड़ते हैं। आप रे, इस माँ को तो पता ही नहीं है मैं अगर टोपी बाय चांस नहीं पहनाई और बाय चांस ये होटल में रह के इसको ठंडी लग गई, मेरी मम्मी भी घर पे बैठी है जो मुझे डांटेगी, बोलेगी कि अरे इसको ठंडी लग गई, इसको जुकाम हो गया। बाप रे बाप, मतलब देयर इज नो एस्केप रूट। चल उपा, हम लोग और क्या करेंगे। तुम्हारा देखो कितना सुंदर सा क्रिब आया, लेकिन ये क्रिब झूला जैसा नहीं है। लूपाओ का जो क्रिब है घर पे, तो शी इज तो ऑलरेडी स्टार्टिंग टू क्राई। हाउ टू एंटरटेन, घर पे एक्चुअली बहुत सारे लोग होते हैं ना, तो सबके गोदी गोदी में थोड़ा घूमी घूमी करते करते लियाना का अच्छा खासा एंटरटेनमेंट हो जाता है। तो एक काम करती हूँ, लियाना को होटल रूम दिखा दे। चलो लियाना, ये देखो बाथटब, दिस इज अ बिग बाथटब। You take shower in a small, small sa bathtub, na? This is such a big bathtub. You can do swimming out here, like this. Swimming. जब भी उसको रोना आता है, तो मैंने ऐसे सुना है कि बच्चों का ऐसे हेलीकॉप्टर बना दो, तो वो लोग चुप हो जाते हैं और प्लस उनका नेक स्ट्रेंथ भी बढ़ता है, क्योंकि ऐसे गर्दन उठा के देखते हैं। And it is true, क्योंकि लियाना को हेलीकॉप्टर रोना बहुत अच्छा लगता है। हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर। देवरा, चलो खाना खा लेते हैं। मतलब मैंने तो खा लिया है, तुम खा लो। हाय लुपी, टीवी दिखा दो उसको। हाँ, टीवी देखती रहती है वो। हाँ, टीवी देखती रहती है, जबकि वी नो दैट स्क्रीन टाइम इज नॉट गुड। एक तो पहले एसी कम करना होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग श्रीनगर में लद्दाख में आ गए, इतनी ठंडी है। एसी ऑफ करने के बाद भी ठंड है यहाँ पे। सुबह उठते ही सबसे पहले अगर उसको देख लो, उसके बाद उसको बोलना होता है लियाना और हंसना होता है, बस ये उसको कॉपी करने लगती है। और ये भी बहुत हंसती है, बॉडी के साथ भी हंसती है लियाना, नहीं तो हमेशा। चलो मैं वॉक करता, तुम खाना खाओ। तो रेबिना, अभी हम कहीं बाहर तो है नहीं, आउट ऑफ इंडिया है नहीं, हम मुंबई में हैं, घर के एकदम बगल में है, बहुत सारा काम है, तो बस पटाक से गया और यूं आया, थोड़ा सा काम निपटा गया। जल्दी आ प्लीज। बाय लिली, बाय बाय। ढिंटा चिट्टा ढिना ढिनारे। ये जो मोनोटोनस वाला गाना है, ये मैं इतना मोनोटोनसली गा सकती हूँ
कि आप भी अगर ये म्यूजिक को रिपीट में चलाएंगे आप भी सो सकते हैं, सोना चाहते हैं। अधिना अधिना रे दिन्ता चिता दिन्ता चिता दिना दिना रे। सो गए। मैं क्या करूं, मैं भी सो जाऊं। 2 घंटा पहले चम्मच मांगा था, शायद अब चम्मच आया है, लेकिन अभी मैं क्या करूं? गुरु चला गया, लीली सो गई, मैं अकेली होटल रूम में मुंबई में। ये होटल बहुत ही अच्छा है, अमेजिंग, रूम भी अमेजिंग। मतलब आप अकेले अकेले कब तक किसी चीज को एंजॉय कर सकते हो? क्योंकि मैं रूम से निकल नहीं सकती क्योंकि लियाना अंदर सो रही है और गुरु चला गया किसी मीटिंग पे। तो मुझे एक आइडिया आ रहा है, एक्चुअली गुरु ने किया ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो मैं भी कर सकती हूँ। मुझे ऑलरेडी ऐसा लग रहा है, मम्मी को फोन करके बुला लेती हूँ। हेलो माँ, की कर छो? ओके कम, बाय। अगर मम्मी नहीं आए ना, बोरियत के मारे यहाँ पे जो भी है खाने के लिए खचर पचर, मैं सब कुछ खा लूँगी। सो इट इज़ बेटर दैट एटलीस्ट मम्मी को बुला लेती हूँ। यू नो, कहीं पे भी जाऊँ कोई ना कोई तो पहचान का मिल ही जाता है, तो कोई ना कोई तो आके कंपनी दे ही देता है। तो अब मैं चेंज कर लेती हूँ, थोड़ा कम्फर्टेबल कपड़े पहन लेती हूँ। तो मैंने सोचा जब तक चेंज कर ही लिया है तो थोड़ा फ्रेशन अप भी हो जाऊँ, हल्का फुल्का जो भी मेकअप वेकअप करके आई थी उसको निकाल लेती हूँ, एकदम यू नो आराम से एकदम फ्री हो जाऊँ। सो मैं घर पे जो यूज़ करती थी, तो ऑब्वियसली होटल में जो दिया हुआ सामान होता है वो तो मैं यूज़ नहीं करती हूँ, एंड आई एम श्योर कोई भी नहीं यूज़ करता है। आई मीन बॉडी वॉश वगैरह तक ठीक है, हैंड वॉश, सोप, हैंड सोप, टूथब्रश, टूथपेस्ट भी मैं होटल का यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन बाकी जो भी स्किन केयर का सामान है वो तो घर से ही लेके आती हूँ। इस बार मैं सिंपल 2 चीज़ लेकर आई हूँ, एक है फेस वॉश और एक है फेस सीरम। बोथ दीज थिंग्स आर फ्रॉम डॉक्टर सेट्स एंड इट इज़ अन वेरी गुड ब्रांड, स्पेशली फॉर्मुलेटेड फॉर इंडियन स्किन, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने पहले भी यूज़ किया है। बहुत लोग जो मुझसे पूछते हैं कि आप प्रेगनेंसी में यूज़ कर सकते हैं या इन्फेंट के साथ जब आप रहते हो तो आप यूज़ कर सकते कि नहीं, डॉक्टर सेट्स प्रोडक्ट्स आर प्रेगनेंसी सेफ। And these 2 products specially जो मैं दिखा रही हूँ, they are pregnancy safe. मतलब if you are pregnant, you can definitely use them. तो सबसे पहले जो face wash है, it is with amla and vitamin C. 2 very amazing products. Vitamin C जो है वो skin की brightening में मदद करता है, skin में जो dullness है, थोड़ा बहुत spots वगैरह है उसको धीरे धीरे diminish करता है। और if you are using a sunscreen, तो विटामिन सी वाले प्रोडक्ट्स आप तो ज़रूर यूज़ करें टू ब्रिंग दैट एक्स्ट्रा ग्लो टू योर स्किन। और इसमें है टर्मरिक एक्सट्रैक्ट, आमला एक्सट्रैक्ट, रोज़हिप एक्सट्रैक्ट। इसमें है टर्मरिक एक्सट्रैक्ट जो कि एंटी बैक्टीरियल है, एंटी माइक्रोबियल है, कि बहुत अच्छा हील करता है और आपकी स्किन को सपल करता है, स्किन को ब्राइटन करता है। इसमें आंवला एक्सट्रैक्ट है, जैसे कि द नेम इटसेल्फ इज आंवला एंड विटामिन सी फेस वॉश, तो आंवला इज आल्सो अ वेरी पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट, इट्स अ वेरी गुड विटामिन सी। इसमें रोज़हिप एक्सट्रैक्ट भी है। यूज़ करना बहुत ही ईजी है, आप थोड़ा सा ले लीजिए हाथ में और वेट फेस में आराम 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 से लगाइए। जब मैं बार बार बोलती हूँ बहुत जल्दीबाजी मत करिए फेस वॉश करते टाइम, मतलब जो इफ़ेक्ट है, जो इंग्रेडिएंट्स है उसके, उसको फेस में थोड़ा सा काम करने का मौका दीजिए, उसके बाद धो लीजिए। सो आफ्टर यू डन विथ वॉशिंग योर फेस, व्हेन योर फेस इज एब्सोल्युटली क्लीन, इज टू अप्लाई सीरम। और यहाँ पे भी मैं यूज़ करूँगी डॉक्टर सेट का आमला VC10 विटामिन सी सीरम। ये एक एंटीऑक्सीडेंट है जो सेल रिन्यूअल प्रोसेस को प्रमोट करता है और स्किन का जो स्ट्रेंथ है उसको स्ट्रॉन्ग करता है। इट लीड्स टू अ हेल्थियर ब्राइटर स्किन। आप अगर बहुत यू नो हाई फंडा एक्टिव केमिकल्स या एक्टिव इंग्रेडिएंट्स में जाना नहीं चाहते हैं एंड येट यू आर फाइटिंग सम ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट आई मेंशनड, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इट्स अ वेरी बिगिनर फ्रेंडली स्किन सीरम। इसमें है इथाइल एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी है, इट हैज स्पिलुरिना एक्सट्रैक्ट जो स्किन का जो सेल रिन्यूअल प्रोसेस है उसको बूस्ट करता है, और इसमें है फेरुलिक एसिड एंड विटामिन ई जो स्किन को सॉफ्ट, सपल और रेडिएंट रखता है। इट इज सुपर फास्ट अब्सॉर्बिंग और जल्दी जल्दी मेरे फेस में अब्सॉर्ब हो गया, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत कुछ मैंने फेस पे लगाया। इनफैक्ट आई एम फीलिंग सो फ्रेश और अभी मैं आराम से मतलब चिल कर सकती हूँ होटल रूम में, बिकॉज आई हैव नोवेयर टू गो। ऑल्सो यूज माई कोड दबीना 20 फॉर अ 20% डिस्काउंट। डॉक्टर सेट्स प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल हियर
एंड ऑल्सो ऑन डॉक्टर सेठ्स वेबसाइट। तो चलिए, मेरा स्किन केयर का स्किन केयर भी हो गया। लिली अभी तक तो सो रही है, क्या मुझे उसका आवाज़ सुनाई दिया? है उठ गई। अभी लीपियू ने कर दिया चुचू, चुचू तो करती रहती है लेकिन डायपर बहुत फुल हो गया, सो वील नाउ गो एंड चेंज हर डायपर एंड या सो कम विथ मी। इसकी नीनी तो ज़्यादा लंबी नहीं रहती है, उठ गई है, मम्मी का आना बाकी है। मैं ही कोशिश करती हूँ अभी सब कुछ करने की, सो आई विल जस्ट शो यू। हमारा एक लगेज होता है, इट्स अ लिटिल मेसी, प्लीज़ बेयर विथ मी। और लियाना का इतना लगेज होता है, सो दिस इज वन ऑफ अ लगेज, दिस इज अनदर ऑफ अ लगेज, दिस इज हर थर्ड लगेज। एसेंशियल्स टू कैरी फॉर अ बेबी ड्यूरिंग ट्रैवल, जो कि मतलब बेसिक एसेंशियल जो होता है, वो मैंने एक वीडियो बनाया है और वो वीडियो मैं जल्दी पोस्ट करूँगी। हाँ ल्यूपियू, ओके वील हैव टू चेंज नाउ। हाँ सो वील फर्स्ट टेक आउट हर डाइपर्स, तो डाइपर बैग लेके ही चलती हूँ मैं रूम में। सर डायपर रैश क्रीम, ओके वेट वी आर जल्दी डूइंग इट। सो दिस इज हर डायपर एंड वेट वाइप्स। तो डायपर चेंज करके खुशी हो गए तुम? खुशी माय गॉड गुड गर्ल। कपड़ू पहनने तो दो कपड़ू। ये पैंटू कौन पहनेगा, किसका है ये पैंटू, किसका है? ल्यूपियू का, लाउपाओ का कि लियाना का? बोलो क्या बोल रहे हो? हो गया, सो हो गया हमारा चेंजिंग। ये डायपर एक्स्ट्रा, आप अगर ट्रैवल कर रहे हो आउट ऑफ स्टेशन इंटरनेशनल स्पेशली, तब आप नैनी बिनी सबको लेके जा नहीं सकते हो, सो 24 आवर आपको खुद को करते रहना है। सो ठंडी लग रही है, नहीं ठंडी लग रही, चलो हम इसको जाके फेंक देते हैं डायपर को। तो इसीलिए एक प्रैक्टिस होना ज़रूरी है, हाउ शी एडजस्ट टू अ होटल रूम एंड हाउ वेल आई एम विदाउट एनी हेल्प व्हाट्सोएवर कैन मैनेज हर द होल डे। कर रही हूँ ना मैनेज, थम्स अप देंगे कि नहीं मुझे, देंगे कि नहीं मुझे? अभी और एक जो बैग है इसके साथ आप ये जो देख सकते हैं नैपी डिस्पोजेबल बैग, इस पर हम इसको डालेंगे और इसको हम फेंक देंगे। सो अमेज़ॉन में जब भी मैं कुछ इंटरेस्टिंग देखती हूँ, मुझे लगता है कि मुझे और ल्यू पापा को अच्छे से मतलब काम आएगा। सो लाइक दिस यू कैन ईजिली लाइक डिस्पोज ऑफ द डायपर बैग्स, ऐसा मतलब हाथ में लेके गीले गीले या पॉटी वाले डायपर लेके घूमना नहीं पड़ेगा। चलो अभी इसका फेवरेट गेम है मिरर के सामने डांस करना, तो थोड़ा डांस देखना तो बनता है। डिनारे डिनारे रे रे, डिनारे 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 रे रे, ढिंटा चिट्टा डिना डिनारे। हाँ कितना सुंदर गाना बाबा, कितना सुंदर डांस ही बेबी ऑफ अ डांस ही फादर। मम्मी आ गई, मामा कत बछर पर देखा हलो। डायपर वाइपर चेंज करा के अभी लेटी है, सो अभी भी रो रही है। हाँ मैं नानी को पाके बहुत खुश है एकदम, ये कोई आवाज हो रहा है। As I told you, लियाना बैठने नहीं देती। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिसको गोदी चढ़ती वो खुश हो जाते हैं, वो चाहे आप बैठे रहो बाजू में, सोए रहो या कुछ भी, मतलब एटलीस्ट आप बस पास हो या टच किए हुए हो वो खुश है। पर उसको चलना है, मतलब को आप गोदी में भी लेके रखे हो, शी हैज टू वॉक वॉक वॉक, मतलब यू हैव टू वॉक कंटिन्यूसली। तो जब से मैं आई हूँ तब से मुझे लगता है मैं वॉक ही वॉक कर रही हूँ, तो मेरे दोनों टांगे मेरा है नहीं। और इसके पापा गए कहीं मीटिंग करने, तो मुझे तो बुलाना ही था ना मम्मी को, ऐसे इतना नॉनस्टॉप कौन वॉक कर सकता है? लाइक सीरियसली मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे ही थोड़ी बड़ी होगी या जिस दिन क्रॉल करना सीखेगी, इतना स्पीड में भाग के मतलब खुद ही खुद घूमती रहेगी। अभी एक्चुअली खुद घूम नहीं सकती ना, तो इसीलिए नॉनस्टॉप शी इज लाइक वॉक वॉक। मोमेंट यू सेड शी इज मतलब आप भी नहीं बैठ सकते हो, you really need tremendous energy to entertain her, so entertainment is going on. tell me
Why is nani called nani? Nani called nani because she is similar to nanny. I think. Oh my God. जिन जिन के पास नानी नहीं है उनके पास होता है नैनी, और जिनके पास नैनी नहीं होता है उनके पास होता है नानी, क्योंकि जहाँ पे नानी होता है वहाँ पे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। मुझे आज मेरी नानी की याद आ रही है। मम्मी पापा जब भी घूमने जाते थे, मुझे याद है कि मैं नानी के घर रहती थी। मुझे नानी के घर रहना सिर्फ मतलब मजबूरी नहीं होती थी, मैं बहुत खुश होती थी कि मुझे ऐसा लगता था नानी के घर जाके मैं रहूँगी, वाओ, मतलब नानी रहेगी, नानी आके रहती थी तो मतलब मैं पागल हो जाती थी। नानी तो मेरे साथ मुझे लगता है थोड़े साल पहले तक भी थी, और जिस साल नानी गुजर गई थी उस साल भी आई थी, और हम लोग नानी को डिनर पे भी लेकर गए थे, और मतलब लोड्स एंड लोड्स ऑफ मेमोरीज़। तो आई थिंक नानी ने जितना प्यार दिया, नानी ने मुझे डांटा भी, नानी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, और नानी के हाथ का खाना, ओ माय गॉड, उसका कोई तो मतलब कंपैरिजन भी नहीं है। मुझे नहीं लगता मेरी मम्मी भी उतना अच्छा खाना बना सकती है, सच में। आप मम्मी को बुरा नहीं लगेगा अगर मैं बोलूँगी कि मैंने अच्छा बना लिया, तो मम्मी को तुरंत बुरा लगेगा। ऐसा नहीं है। तो ये थी मेरी नानी और मेरी कहानी। आप लोगों का भी कोई कहानी होगा अपने नानी के साथ, क्योंकि मुझे लगता है हर एक का अपनी नानी के साथ कोई ना कोई कहानी तो होता ही है, और बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जिनको नानी नहीं मिलती है, नानी का प्यार नहीं मिलता है। मतलब आई फील वेरी सैड फॉर दोज पीपल, बिकॉज दैट्स द लव, आई मीन इट्स आउट ऑफ द वर्ल्ड, इट इज़ आउट ऑफ द वर्ल्ड। सबका एक नानी वाली कहानी है। आपका भी अगर नानी की कोई कहानी है तो मुझे ज़रूर लिख के भेजिए कमेंट सेक्शन में, मैं ज़रूर पढ़ूंगी और मुझे बहुत खुशी होगी पढ़ने में। अभी बस ऐसे ही चल रहा है दिन, आपने देख लिया, थोड़ा सा फ्लॉप शो हो गया क्योंकि मैं अकेले अकेले रह नहीं पाई होटल के अंदर, तो मम्मी को तो बुला लिया, तो ये अकेले ना होटल ये वाला कॉन्सेप्ट तो गया चूरमार होके। तो शाम को देखते हैं गुरमीत कब वापस आता है और उसके बाद हम क्या ही करते हैं। ओह माय गॉड, लुक एट दैट, नानी आती कैसे बिठा दिया, मुनचे ठाकुमा बोशे रहे थे। हम दोनों बैठे हैं, हम दोनों दोस्त हैं ना, इसीलिए। पंडित जैसे बड़ी औरत जैसे क्यों बैठी है बेड के अंदर चुपचाप? अभी मैंने तुम्हें सुला दिया था ना, तुम उठ गए, तुम पीलू पीलू ली, अच्छा नहीं लगा सोना। सामने आ गई तो उसका रोना स्टार्ट हो गया। बूम, रोस्टेड। शाम होते होते पापा गुरमीत आ ही गए फाइनली, और रात कैसी बीती वो मैं किसी और ब्लॉग में किसी और दिन बताऊंगी। फिलहाल यहाँ पर इतना ही, और अगले दिन सुबह हम ब्रेकफास्ट करके घर आ गए और सब कुछ अच्छा ही था। आप बताइए ये व्लॉग कैसा लगा, और सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। आई लव यू।